सो हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र के कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का आयाम करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ विलियंस। जैसा आपने देखा है लास्ट में हम लोग लास्ट लेक्चर्स में दो शॉर्टकट डिस्कस कर चुके। आज हम लोग तीसरा शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट क्या है, आपने देखा होगा इंटीग्रेशन, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म चूज करना पड़ता, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज करना पड़ता। दैट मींस आइलेट रूल के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग आइए जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद उसका शॉर्टकट मेथड्स क्या होगा उस पर हम लोग चलेंगे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू कॉस टू एक्स डीएक्स। ये इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। आपने देखा होगा यहां पर दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन दिख रहा है ये एल्जेब्रिक है और दूसरा कॉस टू एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आप ये देखेंगे ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक अगर दोनों फंक्शन एक साथ दिए गए तो आपको पता होना चाहिए एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड मानते हैं। एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानते हैं मतलब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, ये जो फंक्शन है इसे हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन दिया गया इसको हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। अब रूल क्या है, अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल मैं आपको बताता हूं। अगर इंटीग्रेशन में फर्स्ट इनटू सेकंड ये दो फंक्शन गिवन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डीएक्स, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना था, हाँ इस पूरे को इंटीग्रेट करना, ये रूल होता है, ये प्रोडक्ट रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफी लेंथी जाने वाला है, बट हम लोग यहां पर इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। प्रॉपर सोल्यूशन क्या है, चलें, क्या था, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। देखें क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, माइनस वन इंटू कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स डीएक्स, ये हमारे पास ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आई होप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन टू एक्स अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यह आ जाएगा आपका एक्स थ्री एक्स स्क्वायर, क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स साइन टू एक्स, साइन टू एक्स अपॉन टू, और इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट। नाउ ये प्रोसेस कंटिन्यूसली यही प्रोसेस चलेगी, बट इस पूरी प्रोसेस को हम लोग करते हैं, क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू, यहां पर देखेंगे माइनस और इसको देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहेगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू एक्स अपॉन टू। तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, बट ऑलरेडी पहले से ही टू नीचे है, पहले से ही है, तो ये आ जाएगा आपका क्या माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, और एक टू ये है तो ये इंटू करेंगे फोर हो जाएगा माइनस, बट माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस इंटीग्रेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इसका डिफरेंशिएशन होगा सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, आपने देखा है यही आ जाएगा क्या माइनस कॉस टू एक्स अपॉन फोर डीएक्स, ये आएगा और पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे ठीक है। अब
इस प्रोसेस को आगे लेते चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू साइन टू एक्स अपॉन टू। आप देखेंगे एक माइनस ये है और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस टू एक्स अपॉन फोर। आपने देखा ये आ गया। अब यहां पर देखें माइनस ये माइनस को बाहर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस हो गया। अब यहां पर फिर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट लेगा, ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो फर्स्ट फंक्शन कितना, सिक्स एक्स, सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स अपॉन टू और फोर पहले से, तो ये एट हो जाएगा, ये एट हो जाएगा, क्लियर है सभी को। माइनस 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 क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 6 होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x बाय 4, क्योंकि माइनस तो मैंने पहले ही ले लिया है, लेकिन आपको बताइए माइनस जब कॉमन बाहर लिया तो ये माइनस यहां जाएगा और इसको प्लस कर देगा, यहां से 6 इंटू कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 8 इंटू dx। एक और स्टेप अपने को लिखने पड़ेगी, मैं चाहूंगा यहीं पर स्टेप को कर दूं, आपको ये तो पूरा लिखना ही पड़ेगा, ये पूरा का पूरा आएगा माइनस, ये भी देखें तो माइनस 6x माइनस 4 इंटू साइन 2x अपॉन 8। और यहां पर देखेंगे फर्स्ट फंक्शन यहां पर तो सिंपल है 6 बाय 8, तो 6 बाय 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बाय 4, ये आ गया आपका 3 बाय 4 इंटू सिंपल है साइन 2x, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन आई होप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये प्लस कॉन्स्टेंट सी। आप देखेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू कॉस 2x, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इस तरह से पूरी प्रोसेस ही करना पड़ेगा। मैं जो यहां पर आपको मेथड बताने वाला हूं बिल्कुल स्पेशल मेथड, एकदम सुपर डुपर मेथड, पहली स्टेप में आंसर आने वाला, ओनली वन स्टेप आंसर, ये कैसे पॉसिबल होता, बिल्कुल पॉसिबल होगा, बस आप देखते रहिए। हां अगर बच्चों ये शॉर्टकट टेक्निक का सीरीज आपको बेहतरीन लग रहा है, अच्छा है, पसंद है, आप लाइक करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज अगर आपने बटन प्रेस नहीं किया तो ये जो बेहतरीन जो अच्छे अच्छे अमेजिंग शॉर्टकट टेक्निक्स हैं इनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, और एक भी मिस हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा, इसलिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, इसके शॉर्टकट सॉल्यूशन की, किसकी बात करेंगे, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट सॉल्यूशन क्या है, आगे अगला फेज हम लोग निकालेंगे और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर क्वेश्चन यहां लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू कॉस टू एक्स dx। आप देखें ये क्वेश्चन था, आप कहोगे सर इसका एक स्टेप में सोल्यूशन कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या करना है आपको, देखो पहली स्टेप क्या है, पहले तो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको यहां पर लिखेंगे, एल्जेब्रिक x क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन। एल्जेब्रिक क्यों ले रहे हैं, एल्जेब्रिक इसलिए ले रहे हैं कि अगर एल्जेब्रिक को कंटिन्यूसली अगर डिफरेंशिएट करते जाएंगे एक ऐसी कंडीशन आएगी जब उसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्ट जीरो हो जाएगा, मतलब कॉन्स्टेंट होगा और फिर कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए बिकॉज जब भी ये रूल लगाएंगे तो एक एल्जेब्रिक फंक्शन का होना बहुत जरूरी है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एल्जेब्रिक दिखने वाला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा एल्जेब्रिक दिखेगा कैसे, आप कैसे एल्जेब्रिक के फॉर्म में। और दूसरा यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये कितना है, कॉस 2x है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना, बच्चों ध्यान रखना जो एल्जेब्रिक है इसको डिफरेंशिएट करना, जो अदर फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना, यहां पर कोई भी फंक्शन होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट इसको देखेंगे अगर इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा आपका 6x माइनस 4, और इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा आपका 6, और इसको डिफरेंशिएट करो तो देखो जीरो आ गया। मैंने क्या कहा, एल्जेब्रिक फंक्शन है तो अगर उसको डिफरेंशिएट करते जाओगे एक ऐसा समय आएगा जब वो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो, तो इसको डिफरेंशिएट करिया ही आया, इसको डिफरेंशिएट किया ही आया, इसको डिफरेंशिएट किया ही आया, 6 आया, और 6 को डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो आएगा।
अब क्या करना है, इतने ही बार देखो 1 2 3 इसके सामने लिखेंगे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x upon 2। अब क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x upon 4, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का sin 2x upon 8, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक बार और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा cos 2x upon 16। अगर आप देखें यहां से तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। आप देख रहे हैं क्या किया अपन ने, क्या किया है, क्या किया है? जिसको डिफरेंशिएट करते हो उसका फर्स्ट कॉलम कहां पर लेके आएंगे, सेकंड, इसको छोड़ देंगे मतलब इसको नहीं लेंगे। और क्या करना है, पहले क्या करोगे, प्लस माइनस, प्लस और माइनस साइन के साथ कर देना। अब देखेंगे इसका आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन इंटू कितना आएगा साइन टू एक्स अपॉन टू, ये हो गया। अब इसको देखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और एक ये माइनस है, ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस का ये थ्री आ गया, इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा कॉस टू एक्स अपॉन फोर आएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको लेंगे सिक्स एक्स माइनस फोर, सिक्स एक्स माइनस फोर ये प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा तो माइनस कितना आएगा सिक्स एक्स माइनस फोर इंटू क्या आएगा साइन टू एक्स बाय एट। और अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस है, आप देखेंगे ये भी माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस सिक्स और ये आ जाएगा आपका कॉस टू एक्स अपॉन कितना होगा ये 16 के इक्वल हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही हमारा आंसर हो गया है, ये फाइनल आंसर हो गया है। आप देखेंगे कितना बड़ा सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला था, ये पूरा सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन था, इसमें हो सकता मिस्टेक भी हो जाए बट आपको मैं सच बता दूं जो शॉर्टकट बता रहे हैं उसमें मिस्टेक होने का चांस ही नहीं, इतना इजी, इतना इजी मतलब बेहद इजी, मतलब बेहद इजी, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है, बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। ये क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x पावर 5 साइन x। आप कुछ भी नहीं करना अपने को, वो मेथड भी अगर चाहो तो नहीं लगाना बट यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एकदम इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाए। आप देखेंगे ये एलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, मैंने कहा ये जब भी टेक्निक लगाएंगे तो एलजेब्रिक का होना बहुत जरूरी है बिकॉज जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन लास्ट में जीरो आना चाहिए। तो हमारे पास देखो क्या है, एक फंक्शन है एक्स पावर फाइव और दूसरा क्या है साइन एक्स है, है ना। एलजेब्रिक को डिफरेंशिएट तब तक करेंगे जब तक उसका डिफरेंशिएशन जीरो ना हो जाए। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 5x पावर 4, 5 5x पावर 4, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 आ जाएगा, यहां कितना हो जाएगा सॉरी यहां पर लिखते x टू द पावर 5, डिफरेंशिएट करो तो 5x पावर 4, इसको फिर डिफरेंशिएट करो तो 20x क्यूब, इसको फिर डिफरेंशिएट करो तो 60x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 120x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 120 और इसका डिफरेंशिएशन जीरो। यहां पर इसे इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स को क्या करेंगे, ये जो साइन एक्स है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, बेटा यहां पर लिखेंगे माइनस कॉस एक्स और फिर माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और फिर माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फिर आ जाएगा आपका कॉस एक्स बिकॉज साइन का क्या होता है माइनस कॉस और माइनस प्लस हो जाएगा और फिर कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स। आपने देखा ये किया और फिर अगर माइनस कॉस एक्स को एक बार और अगर इंटीग्रेट करोगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स बिकॉज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है। इसको मैच कर देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिला दिया, क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाना। आप देखेंगे इसका आंसर आ गया, कहोगे सर कैसे आ गया, इसका मल्टीप्लाई एक्स पावर फाइव इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स टू द पावर फाइव और ये आपका आ गया कॉस एक्स।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 साइन एक्स हो गया। बेटा देख रहे हैं, साइन एक्स हो गया। अब थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में ही है पूरा, तो प्लस 20x³ प्लस 20x³ और ये आपका cos x हो गया है। ठीक है, अब 60 वाला लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, तो आएगा माइनस का 60x² माइनस का 60x² sin x हो गया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 120, तो 120 प्लस और माइनस, ये माइनस ही रहेगा, माइनस का कितना 120x और ये आ गया आपका cos x। अब लास्ट देखेंगे 120 ये माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आ जाएगा प्लस 120 साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। आपने देखा ये डायरेक्ट आंसर आ गया है, आपको रूल फॉलो ही नहीं करना, आपको प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंडीशन आप समझ लीजिए, कंडीशन आप समझ लीजिए। कंडीशन क्या है, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और आपको एक एल्जेब्रिक फंक्शन मिल गया तो ये शॉर्टकट मेथड आप आंख बंद करके लगा सकते हैं और विद इन सेकेंड में आंसर देगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं प्रोसेस से, अदरवाइज आप देखेंगे तो बहुत इजिली ये सॉल्व होगा, बहुत ही इजिली सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन देखें क्या है, एक्स पावर 4 ई पावर एक्स आई ई पावर एक्स डीएक्स। भाई एक्स पावर 4 ई पावर एक्स है और डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना। चाहो तो इसका इंटीग्रेशन देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, अब समझना, बिकॉज ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई पावर एक्स ही होता है, तो कोई फर्क नहीं होगा, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते जाएंगे। तो देखो प्लस लगाएंगे पहला एक्स पावर 4 ई एक्स माइनस 4x³ ई एक्स प्लस 12x² ई एक्स माइनस 24x ई एक्स प्लस 24 ई पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। अरे सर कैसे हो गया डायरेक्ट, इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया? अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको पता 4 टाइम्स प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, बट एक बार भी क्या प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ेगा। सर कैसे कर दिया, समझिए बेटा ये पहला एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक को डिफरेंशिएट करते जाओ और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाते जाओ, पहला साइन प्लस लगाना, तो प्लस और एक्स पावर 4 ex, क्योंकि ex का इंटीग्रेशन ही एक पावर वही होता है, सेम होता है, बहुत ही डीट फंक्शन है, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करो डिफरेंशिएशन करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वैसे ही है। अब माइनस लगा दिया, अब इसको x पावर 4 को डिफरेंशिएट किया तो 4x³ और e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x, अब प्लस लगाएंगे 4x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x² होगा, e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा e पावर x होगा, फिर माइनस लगाएंगे तो 12x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 24x, e पावर x का इंटीग्रेशन वही होगा, फिर माइनस की जगह फिर प्लस आएगा तो 24x को डिफरेंशिएट करेंगे 24 आएगा e पावर x प्लस कांस्टेंट सी। आप देखें, आप चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा मैंने यहां पर बताया। देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है x पावर 4 और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, इसको डिफरेंशिएट करो तो 4x³, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो 12x², इसको डिफरेंशिएट करो तो 24 क्या आएगा 24x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर 24 और ये जीरो आ गया। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करो e पावर x e टू द पावर x e टू द पावर x, फिर करेंगे e टू द पावर x e टू द पावर x। आप देखिए इसको इससे मैच कर देंगे, इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे, इसको इससे मैच करेंगे और इसको इससे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप देखें इसको मल्टीप्लाई करो x पावर 4 e पावर x, ये लिखा हुआ है 4x³ और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया e पावर x, ये आ गया बच्चों 12x² प्लस ही है पूरा तो प्लस 12x² e पावर x लिखा हुआ है, 24x माइनस है तो माइनस लगा दिया पहले 24x e पावर x, ये आ गया आपका, और 24 इंटू ये प्लस में ये आंसर आ गया। आपने देखा कितनी इजीली से आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, जितने भी आप बुक्स में क्वेश्चन देखते हो आईलेट वाले, और उसमें अगर एक एल्जेब्रिक फंक्शन लग गया तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को काम तमाम कर सकते हैं आप क्वेश्चन का, है ना। ऐसे ही शॉर्टकट देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चों के माइंड में आता ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बट चिंता मत करो बच्चों मैं आपको इसका भी तरीका बताऊंगा। क्या करेंगे देखिए, लेट लॉग ऑफ एक्स, इसको आप अगर टी ले लेंगे तो एक्स की वैल्यू
e टू द पावर t आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास आएगा dx इज इक्वल टू e पावर t dt। अब हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करें आप देखें क्या आ जाएगा, log x को मैंने t माना है, log x को मैंने t माना तो log x पावर 4 है, दैट मींस t टू द पावर 4 हो जाएगा। dx, dx की वैल्यू e टू द पावर t, r टू t और dt है तो e पावर t और ये आ गया आपका dt, और इसी को तो इंटीग्रेट करना। अगर आप देखेंगे तो फिर एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकल कर आ गया, मतलब ये क्वेश्चन वही बन गया जो पीछे वाला क्वेश्चन था। बट देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, क्या करोगे, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली करते जाओगे और फटाफट विद इन सेकंड में आंसर निकालोगे। टी पावर 4 इंटू ई पावर टी माइनस 4 टी क्यूब इंटू ई पावर टी प्लस 12 टी स्क्वायर इंटू ई पावर टी माइनस 24 टी इंटू ई टू द पावर टी प्लस 24 टी और प्लस कॉन्स्टेंट 24 ई पावर टी 24 ई पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अरे बच्चों आ गया सर, यही आ गया, नहीं अब आपने क्या किया, लॉग एक्स को टी लिया है तो टी की जगह लॉग एक्स और ई टू द पावर टी की जगह एक्स रख दीजिए। तो देखो क्या आ जाएगा, ये अगर इसका फाइनली आंसर हम लोग देखें तो टी की वैल्यू लॉग एक्स है, ये आ जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स पावर 4 है इनटू ये एक्स हो जाएगा माइनस 4 क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स पावर 3 इनटू एक्स प्लस 12 ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स पावर 2 इनटू एक्स माइनस 24 क्या हो जाएगा लॉग ऑफ इनटू एक्स प्लस 24 और e पावर t क्या x है प्लस कॉन्स्टेंट c। अगर आप यहां से देखें तो फाइनली x तो सभी में है, फाइनली x सभी में है, हम लोग क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा log x पावर कितना है इसको ब्रैकेट में log x पावर 4 माइनस 4 log x पावर कितना है 3 प्लस 12 प्लस 12 कितना log of x पावर कितना 2 माइनस 24 कितना log of x और प्लस 24 और प्लस कॉन्स्टेंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे कितनी इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट प्रोडक्ट रूल, विदाउट प्रोडक्ट रूल आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हिडन होंगे दिख नहीं रहेंगे कि उसमें एक एल्जेब्रिक है या नहीं, बट अगर आपने उसे कन्वर्ट किया टी के फॉर्म में कुछ इस तरह से और अगर आपको उसमें एक एल्जेब्रिक मिल गया डेफिनेटली वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। मैं आपको और भी बहुत सारे टेक्निक बताऊंगा इसी से रिलेटेड, मैंने कहा ना ये सीरीज चलती रहेगी और उसमें एक से एक बेहतरीन अमेजिंग ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। बस हाँ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, हाँ और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए यही शॉर्टकट, कल फिर आपके लिए एक बेहतरीन शानदार जानदार कॉन्सेप्ट के साथ आता हूं। थैंक यू, बाय बाय, ओके।